subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में आज 47 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं और आज तक का पूरा आंकड़ा 395 तक पहुंच चुका है। एरिया कुछ इस तरह से शामिल है: नेहरू वार्ड में 19, वासी वार्ड में 2, तुल्हे वार्ड में 4, ऊपर खैने वार्ड में 7, घनसोली वार्ड में 8, एरोली वार्ड में 4 और दीघा वार्ड में 2 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की कोरोना महामारी से मौत भी हो गई है। कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या नवी मुंबई में टोटल 7 तक पहुंच गई है और नवी मुंबई शहर के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। पूरे आंकड़े को मिलाकर आज यानी कि 5 मई को सबसे ज्यादा कोरोना महामारी के केस पाए गए हैं। ऊपरखैने सेक्टर 14 में एक 35 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऊपरखैने सेक्टर 5 में एक 57 वर्षीय एपीएमसी फल विक्रेता को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, साथ ही उसकी 47 वर्षीय पत्नी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। नेहरू सेक्टर 10 एक 3 वर्षीय बच्चे समेत घर के 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सानपाड़ सेक्टर 5 में एक 35 वर्षीय पति और 28 वर्षीय पत्नी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सानपाड़ा सेक्टर 5 में हिंदुजा हॉस्पिटल में काम करने वाले एक वार्ड बॉय को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दीघा बाली नगर में एक 42 वर्षीय व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, एपीएमसी में कार्यरत था। संतानगर एरोली में एक 22 वर्षीय महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। गणेश नगर चिंचवाड़ा एरोली में एक 51 वर्षीय वार्ड बॉय को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ये थाने में कार्यरत था। और एक 49 वर्षीय व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। नेहरू सेक्टर 15 में एक 65 वर्षीय महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वासी सेक्टर 28 के एक 60 वर्षीय एपीएमसी व्यापारी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोपरी गांव तुर्भे में एक 22 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वासी सेक्टर 26 में एक 60 वर्षीय एपीएमसी दाना बाजार के व्यापारी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। घनसोली सेक्टर 5 में मुंबई गोरेगांव में काम करने वाले सदस्य समेत उसके 5 परिवार को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। घनसोली सेक्टर 5 में एक 55 वर्षीय महिला को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। घनसोली सेक्टर 3 में एक 36 वर्षीय गर्भवती महिला समेत 45 वर्षीय महिला को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोपरखैने सेक्टर 11 में एपीएमसी दाना बाजार के व्यापारी समेत घर के 4 सदस्यों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सारसोला सेक्टर 6 नेरुल मुंबई में काम करने वाले एक 55 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जूही नगर सेक्टर 24 में एक ही परिवार के 6 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सिरोही सेक्टर 6 नेरुल में एक मुंबई के पुलिस कांस्टेबल के संसर्ग में आने से 25 वर्षीय व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जूही नगर सेक्टर 23 में एपीएमसी फल बाजार के 35 वर्षीय कामगार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जूही नगर सेक्टर 23 में मुंबई चेंबूर में कार्यरत 48 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल व 18 वर्षीय उसका बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जूही नगर सेक्टर 24 में मुंबई कोलाबा में कार्यरत 56 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन व उसके 22 वर्षीय बेटे को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आवाज टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।